साय की बात बच्चे, जिस शिद्दत से, जिस लगन से तुम कार्य कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत करीब है। आगे बढ़ते चलो, तुम जीतोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा, कोई रुकावट तुम्हारे आड़े नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। और हाँ, साई सच्चरित्र तुम्हारे पास पहुंचाने का एक कारण था, उसे नियम से पढ़ा करो। तुम रोज भूल जाते हो नियम से पढ़ना, कभी पढ़ते हो कभी भूल जाते हो, तो मेरे बच्चे चाहे मन लगे या ना लगे, तुम्हें पढ़ना जरूरी है, नियम से पढ़ो, इससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा मेरे बच्चे, और तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। और हाँ मेरे बच्चे, मेरा आशीष तो सदैव तुम पर है मेरे बच्चे, सदैव तुम पर है। और हाँ, तुम अपने आप को कमजोर मत समझा करो, चाहे कोई कितना भी तुम्हें दबाने की कोशिश करे, या कोई तुम्हारे कितने भी हिम्मत तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन तुम अपने आप को मत भूलो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। अपने आप को पहचानो मेरे बच्चे, ये वक्त रोने का नहीं लड़ने का है मेरे बच्चे। अपने आप को यूं कमजोर जितना दिखाओगे ना, दुनिया तुम्हारा उतना ही फायदा उठाएगी, तो तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना मेरे बच्चे, कमजोर नहीं पड़ना। तुम्हारे अंदर तो बल्कि इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम किसी का भी सामना कर सको। डटकर अपने साईं के भरोसे करो मेरे बच्चे। और हाँ, जिससे विचार नहीं मिलते ना मेरे बच्चे, उससे दूर रहो, क्योंकि वहां पर ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं, मन मुटाव होना शुरू हो जाते हैं मेरे बच्चे। इससे अच्छा है कि वहां से दूर हट जाओ मेरे बच्चे। और हाँ, जब भी तुम रोटी बनाते हो ना, तुम्हारे हाथ से आटा गिरना या रोटी का जल जाना, ये मैं करवाता हूँ तुमसे, क्योंकि मैं तुमसे सेवा लेता हूँ। यही रोटी, यही आटा किसी की आत्मा तृप्त करता है। जब ये तुम्हारे घर के बाहर जाता है ना, तो ये तुम्हारे हाथ से मैं सेवा लेता हूँ मेरे बच्चे, ये तुमसे मैं खुद करवाता हूँ। इससे मेरा ही किसी रूप को, किसी आत्मा को तुम तृप्त करते हो, और ये सेवा मैं तुमसे लेता हूँ, तुमसे लेता हूँ मेरे बच्चे। और हाँ, कुछ मेरे बच्चे बहुत व्याकुल हैं, बहुत व्याकुल हैं मेरी लीला देखने के लिए, तो उन्हें बहुत जल्द मेरी लीला देखने को मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द मिलेगी। और हाँ, तेरे मन में बहुत सारे सवाल है, मैं जानता हूँ बहुत सारे सवाल तेरे मन में उठ रहे हैं, जिसका उत्तर तुझे मिलेगा, सबका उत्तर मिलेगा मेरे बच्चे तुझे। एक एक करके सारे उत्तर दूंगा, तेरे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा तुझे मेरे बच्चे, सब दूंगा, चिंता बिल्कुल मत कर। और हाँ, तूने जितनी ठोकर खाई है ना अपनी जिंदगी में, तो उससे सीख ले मेरे बच्चे, जो तूने ठोकर खाई है उससे सीख, और आगे वही गलती मत करना कभी मेरे बच्चे, मत करना। और मैं जानता हूँ, और कभी कभी तुम्हारे मन में जो बातें, जो विचार चल रहे हैं ना, उसे कभी कभी अपने ऊपर इतना हावी मत होने दिया करो कि जिससे तुम्हें परेशानी हो मेरे बच्चे, परेशानी हो। कुछ जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं मेरे बच्चे, जो कठोर हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन नहीं मानता, लेकिन मेरे बच्चे कभी कभी कुछ फैसले कठोर लेने पड़ते हैं मेरे बच्चे, चाहकर या अनचाहकर तुम्हें लेने पड़ेंगे मेरे बच्चे, लेने पड़ेंगे। और हाँ, तुम दूसरों को देखकर इतना परेशान मत हुआ करो मेरे बच्चे, क्योंकि धनवान वो नहीं जिसके पास पैसा है, धनवान वो है जिसके पास मैं हूँ, तेरा साईं है, जिसके पास सुकून है, शांति है, वही इंसान धनवान है मेरे बच्चे, वही धनवान है। तो यूँ दुखी मत हुआ करो मेरे बच्चे, जिसके पास पैसा है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सुखी हो, उसके पास सातों सुख हो, ऐसा कभी नहीं है मेरे बच्चे। इस दुनिया में, इस संसार में हर पैसे वाला, हर गरीब हर तरीके से दुखी है, हर तरीके से परेशान है मेरे बच्चे। जाने दो मेरे, तो यूँ अपने आप को यूँ वो भूल परेशान मत किया करो, भी मेरे बच्चे हैं, तुम्हारा चाहे दुख ध्यान मत लगाओ, पर्वत जैसा क्यों ना हो मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी एक दिन तेरे साईं के हाथ में है, वो मुझे और तेरे साईं के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और सब तेरे साईं के हाथ में है। बिल्कुल अपने चिंता मत कर मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत कर, बल्कि तुम्हारे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं रखता, मैं जानता हूँ, उन्हें बुद्धि दिया करो, जल में डाल कर और बुद्धि माथे पे लगाया करो,
और हो सके तो उन्हें मेरे कीर्तन मेरा जाप सुनाया करो मेरे बच्चे, पढ़ना चाहिए उनका मन और मेरा एकाग्र होना शुरू हो जाएगा और बहुत उनका मन पढ़ाई में लगने लगेगा मेरे बच्चे लगने लगेगा और हम हिलना पाओ तुम डगमगा मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलवाऊंगा जो बच्चा तुम्हें मैंने तुम्हारे पास आएगा हर बार और मेरा गुणगान करेगा मेरे बच्चे और तुम्हें वो मेरे बहुत करीब लेकर आएगा मेरे बच्चे जब उस वजह से तुम मेरे बहुत करीब आते चले जाओगे मेरी लीलाओं का गुणगान सुन सुनोगे तुम मेरे बहुत करीब आओगे देखना मेरे बच्चे तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ होता चला जाएगा तुम्हें मेरी लीलाएं देखने को मिलेगी तुम्हारे जिंदगी में मेरे लीलाएं होंगी बहुत प्यार करता हूं तुम्हारा वक्त बदल जाएगा प्यार करती हूं ना उससे कहीं ज्यादा दुगना तुम मुझे इधर उधर पुकारते हो आवाज लगाते हो तो मेरे बच्चे मतलब तेरे अंदर ही करूंगा तो रात दिन मुझे पुकारता है जिंदगी साई 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 कहता है तो मेरे मैं तो हमेशा तेरे पास हूँ मेरे बच्चे हमेशा तेरे पास हूँ और हाँ देखना तुम्हारे जीवन में भी और तुम्हारे अंदर सेवा देने वाला बहुत परिवर्तन इस महीने तुम देखते तुझे मैं एक सेवा देने वाला बदलती है मेरे बच्चे कैसे बहुत मन से और लगन से करनी होगी बहुत नाम मन से करना मेरे बच्चे याद रखना इस महीने तुझे कोई सेवा मिलेगी उसे जरूर करना मेरे बच्चे जरूर करना उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करना आज का जो तुम्हारे साथ बदसलूकी कर रहा है ना उसे दंड जरूर मिलेगा जब मेरी लाठी उस पर पड़ेगी ना मेरे बच्चे तो उसे समझ आएगा बस अब बहुत हो गया मुझे नहीं बर्दाश्त होता तुम्हारे साथ की हुई बदसलूकी मुझसे नहीं बर्दाश्त होती मेरे बच्चे और हाँ जो तुम्हें मेरे साथ अनुभव हो रहे हैं ना मेरे बच्चे जो हो रहे हैं उससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है जब तुम मेरे अनुभव देख देख कर बहुत प्रसन्न होते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे बच्चे इसी तरह खुश रहा करो मैं तुम्हें अनुभव देता रहूंगा और हाँ तुम्हारे शारीरिक जो दर्द है ना वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा मेरा नाम जाप किया करो रोज बैठकर और उदी लिया करो उदी का सेवन किया करो बहुत जल्द तुम्हारे शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा और हाँ मन को एकाग्र करके शांति से एकांत में मेरा ध्यान करो इससे तुम्हारा मन शांत होगा और जो स्वरूप तुम्हारा पसंद है ना मेरा जो स्वरूप पसंद है उसे सामने लाओ फिर देखना मेरी लीला तुम्हें नजर आएगी अभी नहीं बोलूंगा लेकिन उस वक्त तुम्हें नजर आएगी जब तुम एकांत में बैठकर मेरा ध्यान करोगे ना मेरे स्वरूप को अपनी आंखों के सामने लेकर आओगे तो तुम्हें मेरी लीला देखने को मिलेगी तुम देखना मेरे बच्चे खुश हो जाओ आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।